हियरिंग लॉस या कान से कम सुनने की परेशानी, ये बहुत कॉमनली हम लोग ओपीडी में देखते हैं। पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उन्हें टीवी की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है या उन्हें मोबाइल पे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है आवाज़ सुनने के लिए। तो ये बहुत कॉमनली ओपीडी में देखा जाता है। तो क्या होते हैं इसके प्रमुख कारण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ सत्य INENT केयर हरमू रांची से। हियरिंग लॉस या कान से कम सुनना, इसके सबसे प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला कारण हो सकता है अगर आपके कान में मैल जम गया है, इम्पैक्टेड वैक्स है, तो इसके कारण आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। या फिर अगर एजिंग के कारण या एज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जैसे मेडिकली हम प्रेस बायक्यूसिस भी बोलते हैं, तो इसमें भी आपको कम सुनाई देता है। इस कंडीशन में आपका जो नस होता है, जो आपका इनर ईयर से ब्रेन से जो कनेक्टेड नस होता है, उसमें कमी आ जाती है, वो सूखने लग जाता है, जिसके कारण भी कान में सुनने में परेशानी आती है। या फिर नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस या तेज़ आवाज़ के कारण जो सुनने में कमी आ जाती है, वो भी एक कारण होता है। ये बहुत कॉमनली हमारे आर्मी मैन या पुलिस सर्विस के लोग या फैक्ट्री वर्कर्स जो बहुत लंबे समय तक तेज़ आवाज़ में काम करते हैं, तो उनकी भी ये परेशानी होती है, तो ये देखा जाता है। या फिर अगर ईयर इन्फेक्शंस के केस में, जैसे कि अगर आपका कान बहता है या आपको बताया गया है कि आपके कान के पर्दे में छेद है, तो भी आपके सुनने की क्षमता कम होती है। या फिर अगर ओटोटॉक्सिक मेडिसिंस का अगर सेवन हुआ है, तो क्या है ये ओटोटॉक्सिक मेडिकेशंस? ओटो का मतलब होता है कान और टॉक्सिक मतलब कान को नुकसान पहुंचाने वाला। तो ओटोटॉक्सिक मेडिकेशंस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स चला है अगर बहुत लंबे समय तक, या फिर जेंटामाइसिन चला है, या मलेरिया की दवा जो क्लोरोक्विन होती है अगर वो लंबे समय तक चला है, तो ये सब कुछ कारण होते हैं कान से कम सुनने के। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर हेड ट्रॉमा हुआ है, तो अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या किसी भी माध्यम से अगर सर पे चोट आई है, तो भी बहुत बार देखा जाता है कि कान में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। या फिर हेरिडिट्री कंडीशंस में, जैसे कि हेरिडिट्री कंडीशंस जो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, जैसे कि ओटोस्क्लेरोसिस के केस में, तो अब क्या होता है ये ओटोस्क्लेरोसिस? तो ओटोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें जो कान में हमारे 3 हड्डियाँ होती हैं, उन हड्डियों का काम होता है वाइब्रेट करना, और वाइब्रेशन के माध्यम से वो साउंड वेव्स को बाहर के एक्सटर्नल ईयर से इनर ईयर तक पहुंचाती हैं। पर ओटोस्क्लेरोसिस के केस में एक हड्डी जो स्टेपीज होती है वो वाइब्रेट नहीं कर पाती है, वो फिक्स हो जाता है, जिसके कारण साउंड वेव ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो ये कारण भी होता है हियरिंग लॉस का। या फिर वायरल इन्फेक्शन के केस में भी हम बहुत कॉमनली देखते हैं वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर छोटे बच्चों में देखें तो मीजल्स, मम्स, इन सब केसेस में भी बहुत कॉमनली हियरिंग लॉस देखते हैं। या अगर प्रेग्नेंट लेडी को अगर रूबेला हो गया है या सिफिलिस इन्फेक्शन हो गया है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो भी ये कारण होता है, हो सकता है कि उसके होने वाले बच्चे में हियरिंग लॉस आए। या फिर अभी कोविड के कारण बहुत लोगों में हियरिंग लॉस देखा गया, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन था जिसके कारण भी हियरिंग लॉस बहुत कॉमनली हम लोग ओपीडी में देखा था। जैसे कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जैसे कि अगर हाइपरटेंशन है बहुत लंबे समय तक, तो उसके कारण ब्लड सप्लाई इनर ईयर में कम हो जाता है, और ये भी एक कारण होता है हियरिंग लॉस का। या जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे कि डायबिटीज़, मेलाइटिस, थायराइड, इन सब केसेस में भी पेशेंट हियरिंग लॉस कंप्लेन करता है। या फिर स्मोकिंग के केसेस में भी ब्लड सप्लाई इनर ईयर को कम हो जाता है, और इस कंडीशंस में भी बहुत बार पेशेंट हियरिंग लॉस कंप्लेन करता है। तो अब इसे हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको अगर लगता है कि आपको हियरिंग लॉस है, या आपको टीवी की वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, या मोबाइल में बार बार लोगों को दोहराने के लिए बोलना पड़ता है, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसे आपको लगता है कि उसे हियरिंग लॉस है, तो आपको एक ENT कंसल्टेशन लेना चाहिए।
आपके ENT कंसल्टेंट आपके कान को एग्जामिन करते हैं और कुछ नेसेसरी हियरिंग टेस्ट करवाया जाता है। कान की एग्जामिनेशन के दौरान ये देखा जाता है कि कहीं कान में कोई मैल तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर कान में मैल होता है तो 3 से 4 दिनों तक ईयर ड्रॉप्स यूज़ करने के लिए कहा जाता है और फिर मैल की सफाई कर दी जाती है। ये एक OPD प्रोसीजर होता है। या फिर इन्फेक्शंस के भी केस में दवाएं दी जाती हैं, ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं और ये देखा जाता है कि ये मेडिकली ठीक होता है या फिर सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया ओटोस्क्लेरोसिस के केस में, तो ओटोस्क्लेरोसिस में भी आपको सर्जरी के माध्यम से आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कि ENT स्पेशलिस्ट आपको हियरिंग टेस्ट एडवाइस करते हैं जैसे कि प्योरटोन ऑडियोमेट्री या इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री। उससे ये देखा जाता है कि आप कान से सही से सुन पाते हैं कि नहीं या कान के किस भाग की ये परेशानी है। तो अगर ये देखा जाता है कि कान के मध्य भाग की परेशानी है तो इन्हें दवाओं से या सर्जरी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। पर भी ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जैसे कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है या नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के कारण अगर हियरिंग लॉस है तो ये सब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें नस की कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। तो इन सब कंडीशंस के लिए हम लोग पेशेंट्स को हियरिंग एड एडवाइस करते हैं और पेशेंट्स हियरिंग एड के माध्यम से ठीक से सुन पाता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। एक बार वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।